नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ है हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर प्रियांक ठक्कर। प्रियांक जी, आपका मैं स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहली बात तो आप सूरत से है, वो हमें बहुत ही गर्व की बात है कि आप सूरत से है और इच्छा इतनी अच्छी, मतलब हॉलीवुड में आप गए हैं और बहुत ही अच्छा काम किया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ। और आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूंगी कि आपने ये हॉलीवुड तक की सफर कैसे की। थैंक यू यामिनी जी इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा सफर बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कहानी है मेरा सफर। मैंने एक्चुअली चालू किया था मेडिसिन से। मेरे पापा ने 12th ग्रेड के बाद मुझे कहा कि बेटे तू एक काम कर, तो भी छोटा है अभी, क्रिएटिव फील्ड में मत जा, अभी तुम मेडिसिन के लिए ट्राई कर, क्योंकि मेरा भैया भी मेडिसिन में था उस टाइम। मैंने बोला ओके ठीक है, और मुझे साइंस बहुत पसंद था उस टाइम, उस वक्त की बात है। फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, आप मेडिसिन बोल रहे हो ना, इतना फोर्स भी कर रहे हो, तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैंने मेडिसिन चालू किया, और मैंने DY पाटिल, वो है मॉरिशियस में, उसकी ब्रांच है, वहां मैंने मेडिसिन चालू किया था। और सरप्राइजिंगली एक साल के बाद वहां के डायरेक्टर, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी पार्टी लूज हो गई। पहली बार हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर लूज हो गई पार्टी। जो विनिंग पार्टी थी, उन्होंने ऐसा ब्लेम किया कि ये जो कॉलेज है वो एक्रेडिशन नहीं है उसमें। हमारे सारे बैच, जो सब बैच वाले थे, उनकी लाइफ सब लाइक हवा में आ गई थी, लाइक इट वॉज ऑल लाइक गॉन। फिर हम लोग ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मैस था जी। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है काम कर बेटा, घर आ जा अभी, फिर देखते हैं कि क्या करें। फिर मैं वापस इंडिया आया, फिर मैं 18 साल का था उस टाइम, और पापा ने कहा कि ओके ठीक है अभी भी तू छोटा है, तो फिर तू फिजियोथेरेपी ट्राई कर। मैंने बोला ठीक है अब देखते हैं कि क्या होगा फिजियोथेरेपी में। फिर मैंने फिजियोथेरेपी चालू किया सूरत में जी। अब मैं 2 घंटे बैठा था फिजियोथेरेपी की कॉलेज में, और सब्जेक्ट एनाटॉमी, एंड आई लव एनाटॉमी, आई लव इट सो मच। मैंने बुक पढ़ी, और फिर मुझे पता चला कि मुझे फिजियोथेरेपी के फर्स्ट 2 इयर्स ऑलरेडी आते थे जी। फिर मुझे लगा कि अब यहाँ टाइम बर्बाद करने में ये लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। मैंने बोला कि ठीक है अब ये तो नहीं होगा। फिर मैंने कुछ भी बहाना बना के घर वापस आ गया। फिर पापा को फोन किया कि पापा ये तो नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं। पापा बोलते हैं कि हाँ एक और बार ट्राई कर दे फार्माकोलॉजी का। मैंने बोला ठीक है अब आप बोल रहे हो तो फिर कर देते हैं, अभी तक ठीक है बोला है तो और सही जी। तो फिर पापा ने फार्माकोलॉजी में एडमिशन लिया, और हम कॉलेज में गए, पापा ने कॉलेज देखी और वहां के लोग देखे, सब अच्छा था, लेकिन पापा को पता था कि मैंने मेडिसिन किया था। पापा को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आगे जाके यू टर्न ले लिया और फिर वापस बाहर निकल गए कॉलेज से। मैंने पूछा कि पापा क्या हुआ, पापा बोलते हैं बेटे मैं समझ सकता हूँ तू कहाँ से आ रहा है, कैसी चीज ये जो बोल रहा है तू, क्रिएटिव होने का मैं समझ सकता हूँ, तूने मेडिसिन किया सो तू फिजियोथेरेपी फार्मेसी इसमें सब नहीं चलेगा, सो आई थिंक व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड आई थिंक द रीजन माइट बी यू शुड गो वेयर यू वांट टू बी, सो वेयर डू यू वांट टू गो, उन्होंने ऐसा पूछा। और मैंने बोला एक्टिंग करनी मुझे, और ऐसे हुआ मेरा लॉस एंजेलिस का एक्टिंग का। तो पहले से ही बोल देना था ना एक्टिंग करनी है, तो फिर इतना सारा घूम के आना नहीं पड़ता ना आपको। ट्राई किया, लेकिन अब इंडियन पेरेंट्स से थोड़े स्ट्रॉन्ग, यू नो उनका लाइक व्यूज होते हैं टुवर्ड्स यू नो एजुकेशन एंड एवरीथिंग, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट जी। मतलब पहले से आपको एक्टिंग का शौक था कि किसी को देख के आपको ये शौक हुआ कि भाई मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है? हाँ, अब वो अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले एक्चुअली डांसिंग में था, मैं बहुत लाइक 3 years old का था तब से मैं डांसिंग में था, और तब से लेकर ऑलमोस्ट 18 years का हुआ तब तक क्रिएटिविटी में पता नहीं मुझे कुछ इंटरेस्ट था, और मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन था बचपन से, एंड मुझे मूवीज बहुत पसंद थी, और फिर धीरे धीरे मैं हॉलीवुड का फैन हूँ क्योंकि मेरा भाई हॉलीवुड का फैन था और मैं बॉलीवुड का फैन, तो उसने ऑलमोस्ट मैं जब 15 years का था तब बोलता है कि तू एक ट्राई कर हॉलीवुड मूवी देखने की, सो मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं, तो देख लिया, और फिर तब से मैं हॉलीवुड का फैन बन गया। फिर तब से मुझे पता चला कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो लाइक अब छोटा था, इसलिए मैंने सोचा मुझे स्क्रीन पे आना है, मुझे बड़ी स्क्रीन पे आना है, अपना नाम कमाना है, कुछ यू नो नाम शोहरत और वो सब करना है। फिर उस हिसाब से मैंने चालू किया जी। तो बहुत ही अच्छी बात है दर्शक मित्र, आप यहाँ पे जो
हमारी सेलिब्रिटी है उनसे आप मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सबको और मुझे भी आज अच्छा लग रहा है। तो प्रियांक जी, आपके जो अभी तक आपने जो एक्टिंग फील्ड में कहाँ कैसे कैसे वर्क किया है, कौन सी शॉर्ट फिल्म या तो फिल्म किसमें काम किया है वो हमारे दर्शकों को बताइए ताकि देखे लोग आपको। अभी तक मैंने वार्ता रे वार्ता करके एक वेब सीरीज है जो अभी यूट्यूब पे बाहर है और बहुत सारे लाइक्स बहुत सारे व्यूज आ रही है, और ये वेब सीरीज एक्चुअली डायरेक्ट की है दादा साहब फाल्के, जिसको अवार्ड मिला है मिस्टर जय परीख, उनका बहुत बड़ा नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुके हैं, और लकीली वो लॉस एंजलिस में एक गुजराती एक्टर को ढूंढ रहे थे जी। और मेरा रेफरेंस मेरे दोस्त ने उनको दिया जी। फिर मैंने ऑडिशन भी दिया और 3-4 बंदों ने भी दिया था, एक्चुअली 5 या 6 बंदों ने दिया था, लेकिन उनको मैं बहुत पसंद आया, उनको लगा कि इस बंदे में पोटेंशियल है, सो फिर मैंने वो वेब सीरीज की चालू। और वो वेब सीरीज अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में रिसेंटली गई थी और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आने वाली है वापस उसके रिलेटेड एक आर्टिकल जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम थोड़ी सी जो वार्ता रे वार्ता वेब सीरीज जो आपने उसमें एक्टिंग की है वो हम थोड़ी सी झलक आपको दिखा देते हैं। ये भाई लोग यू कैन टेक ऑल द टाइम यू नीड। लोको शू कैसे यार, मम्मी पापा शू कैसे भाई लोग, दिस इज हु आई एम एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, आई डोंट वांट टू चेंज। We'll figure out something, okay? What would you like to drink? What do you have for me? I have milk. Milk? Do you have a beer? No, but I can get it for you from the store. You wanna go to store and leave me here alone? God, I love your accent. And? And your eyes. Do you wanna do this? Do what? दर्शक मित्र, आपने अभी जो वेब सीरीज देखी वो वार्ता रे वार्ता प्रियांक ठक्कर ने जिसमें एक्टिंग की है वो आपने देखी होगी। इससे आपको पता चला ही होगा कि हॉलीवुड में जाके कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, और अगर आपको जाना है कहीं पे एक्टर बनना है तो इससे आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रियांक जी, अब और आपने शॉर्ट फिल्म के बारे में आप बताइए, कुछ आपने शॉर्ट फिल्म भी की हुई है। ओके, सो मैं न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैंने 3 इयर्स कोर्स किया है बैचलर्स का जी, और ड्यूरिंग दैट टाइम हमको बहुत सारी शॉर्ट फिल्म करने का मौका मिला था जी। और जब मैं पहली बार गया था तब फर्स्ट ईयर मुझे एक्टिंग में कुछ नॉलेज नहीं था, so I was just holding on कि भाई ठीक है थोड़ा सीख लो पहले, उसके बाद फिर तुम एक्टिंग करो। और एक बार मैंने सीख लिया फिर सारी की सारी शॉर्ट फिल्म्स मुझे मिलने लगी, लाइक आई वॉज लकी, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी की थी। सो मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की है, शॉर्ट फिल्म्स लाइक कॉन्फ्रंटेशन, फिर मैंने फ्रेंड्स का एक एपिसोड भी किया है जी, फिर एक और टीवी शो का भी एक एपिसोड किया है जी। सो लाइक बहुत सारी ट्रेनिंग की थी और ये शॉर्ट फिल्म्स जो बनी थी वो बहुत यूजफुल रही है। हाँ, मतलब अभी तक कितनी शॉर्ट फिल्म आपने बनाई होगी? मैंने करीबन एज पर माय IMDb 6-7-8 जितनी होगी, 8 के आसपास होगी, जिसमें आपने एक्टिंग भी की है, शायद प्रोड्यूस भी किया है, ऐसा कुछ है कि सिर्फ एक्टिंग की है? मोस्टली एक्टिंग है और एक शॉर्ट फिल्म है जो आने वाली है जी। वो मैंने प्रोड्यूस किए है, मैंने खुद लिखी है उसको और उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि, और मैं कुछ और भी जानना चाहती हूँ आपसे कि आपका कुछ ऐसा डांसिंग में कुछ शौक रहा है तो वो भी बताइए। सो मैंने पहले बोला था कि 3 इयर्स का था तब से मैंने डांसिंग किया, और फिर मैंने सूरत में जिसे एक क्लब करके एक जगह थी, क्लब था, उसमें फिर मैं एक पार्ट था एज अ डांसर, और फिर मैंने साइंस में पूरा का पूरा गया चला गया था, लाइक डूब गया था वो फील्ड में, इसलिए फिर मैंने डांसिंग छोड़ दिया था फॉर अ व्हाइल। फिर मैं जब LA गया था मैंने वापस डांसिंग चालू की, और फिर मैं अपनी कॉलेज में खुद एक कोरियोग्राफर था। वाह,
बहुत अच्छी बात है और सारे लोगों को पसंद है। मुझे बॉलीवुड इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मैं जो स्टाइल करता हूँ वो हिप हॉप है, फ्री स्टाइल है और वो सब करता हूँ, और कभी कभी फ्री स्टाइल वीडियो शूट भी करता हूँ, इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ और लोगों को बहुत पसंद है, सो वो चालू रखता हूँ। जी इतनी अच्छी, मतलब जब कामयाबी मिलती है तो साथ में फैमिली सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है, तो आपको फैमिली सपोर्ट कैसे रहा? आपको फैमिली सपोर्ट पहले थोड़ा कम था जब मैंने चालू किया था, उन्होंने बोला कि मेडिसिन का, लेकिन मैं समझ सकता था क्योंकि मैं साइंस में बहुत अच्छा था और मुझे साइंस बहुत पसंद था, इसलिए अच्छा था। मैं अगर आप अच्छा लाइक किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं और लाइक पैशन हो उसके लिए तो फिर आप अच्छे ही होते हो। सो साइंस में पैशन मेरा अच्छा था और मुझे पसंद भी था, तो फिर पापा ने इसलिए बोला था कि मेडिसिन कर ले, और फोर्सफुली नहीं कहा था लेकिन लॉजिकली कहा था कि अभी तू छोटा है। लेकिन फिर जब पूरा जो ये रोलर कोस्टर हुआ मेडिसिन का और फिजियोथेरेपी का, फार्म का, और इसके बाद फिर पापा और मम्मी और भैया सब ने बोला कि एक काम कर, तू ठीक है, तुझे जो करना है वो कर, हम तेरे साथ में खड़े हैं, तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब हम तेरे साथ हैं। और उस दिन जब मुझे कहा गया कि भाई ये है और हम तुम्हारे साथ हैं, ये चीज मेरे पापा मम्मी और भैया तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर मुझे लगा कि ठीक है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जी और एक इमोशनल भी बात होगी उसमें कि अगर आपकी मम्मी को पसंद था कि आप जाए बाहर। That's a good question. Indian moms out there. जी आपको पता है कि नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपको कि इंडियन मॉम्स जो होती है उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे, वो कहीं जाए नहीं, तो वो आप बताइए थोड़ी सी कैसे आपको फील हुआ और उनको भी कैसा लगा? मुझे तो लाइक बहुत पहले तो ऐसे लाइक लगा कि यार फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन फिर एड्रेनालिन रश था, 21 इयर्स का था, और नहीं मुझे करना है, पैशन के पीछे भागना है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है चला जाता है। लेकिन मेरी मॉम, अब मम्मीज आपको पता है कि भाई आपके बच्चे लोग आपके लिए कितना होता है, लाइक इट्स लाइक इट्स योर हार्ट, सो मम्मी को बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार मेरा बच्चा दूर चला जाएगा, मेरा बच्चा दूर चला जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर था तब मम्मी को ऐसा ही लगता था लाइक मैं और मम्मी हर रोज बात करते हैं, दो बार फेस टाइम करते हैं एवरी डे, और फिर पहले फर्स्ट ईयर में मम्मी ने बोला कि यार तुझे बहुत मिस कर रही हो, तू आ जा, तुझे बहुत मिस कर रही हो, तू आ जा। लेकिन स्लोली स्लोली मम्मी ने मेरा प्रोग्रेस देखा, मेरा पैशन देखा, मेरी मेरा डेडिकेशन कमिटमेंट सब देखा, फिर मम्मी ने सोचा कि नहीं बच्चा आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, कोई नहीं, अभी कभी कभी ये जो जो प्यार होता है वो कभी कभी लेट गो में हो सकता है, लाइक लेट देम गो, लेट देम ग्रो, सो मम्मी ने बोला कि लेट देम ग्रो। जी मतलब अभी मम्मी को अच्छा फील हो रहा है कि नहीं मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ा है, आज शायद वो प्राउड फील कर रहे होंगे कि नहीं जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, राइट है या गलत है? नहीं बहुत बहुत राइट है, मम्मी मम्मी इज सो प्राउड एंड आई लव यू मॉम, दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत ही अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट आपके क्या प्रोजेक्ट है और आपका क्या नया कुछ आ रहा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सो मैंने ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक मूवी बनाई है जो खुद लिखी है, खुद प्रोड्यूस भी की है और खुद स्टार भी किया है, अभी एडिटिंग के प्रोसेस में, और ये मूवी का नाम है वर्ल्ड एज वी नो इट। अब ये मूवी मैंने बनाई है, इट्स अ साईफाई मूवी, और ये मूवी बेस्ड है इंडियन मैन की वल्नरेबिलिटी के इश्यूज पर, लाइक हाउ इंडियन मैन एक रिलेशनशिप में अपने इमोशंस ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, लाइक अपनी फीलिंग्स ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और ये कभी कभी पार्टनर को लगता है कि ये जो दूरी है वो क्यों है। सो बेस्ड ऑन दैट थिंग आई हैव मेड अ साईफाई मूवी, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड एज वी नो इट। अभी एडिटिंग हो रही है आशीष मयूर शाह के द्वारा, वो बहुत बड़े एडिटर हैं और एक्चुअली बालाजी फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं एज अ डायरेक्टर, एंड ये मूवी रेडी हो रही है फिल्म फेस्टिवल के लिए, और बड़े से बड़े फिल्म फेस्टिवल लाइक केन्स, बर्लिन एंड सनडांस, वहां सब जाने वाली है ये सब, ये मेरी फिल्म, और I'm just waiting for it to go there and like you know achieve its best. जी, yeah. जी. आपका कोई favorite dialogue हो वो सुना दीजिए. That's a good question. जो आपकी language में हो और अच्छा हो ऐसा कोई dialogues. दो line भी होगी तो चलेगा. Okay. मैंने एक play किया था. Play का नाम है Amadeus. आपको Mozart तो पता ही होगा.
बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर है उसके टाइम का. सो उसके बेस पर ये प्ले है, पीटर शेरॉफ ने लिखा था. और उसमें एक लाइन थी जो मुझे टच कर गई थी. एंड द लाइन गोज लाइक दिस, आई वांट लाइफ बैरन, आई डोंट वांट बोरिंग लेजेंड्स, आई वांट लाइफ. सो दिस बेसिकली मीन्स के मुझे लाइफ लाइक लाइफ मतलब मुझे रियलिटी चाहिए. जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्यार होता है, जो पैशन होता है, मुझे वो सब चाहिए. जो लेजेंडरी बातें है, कथा है, हीरोज है, वो सब नहीं चाहिए मुझे. मुझे लाइफ के बारे में कुछ पीस बनाना है जी. मुझे हीरोज के बारे में नहीं लिखना है, मुझे अपनी लाइक फीलिंग्स के बारे में लिखना है. सो आई वाज लाइक ओके, दैट काइंड ऑफ टच मी ओवर यू. बहुत ही अच्छी बात कही. ये थी एक एक्टर की कहानी, ऐसा बोल सकते हैं कि मेडिकल से लेके एक हॉलीवुड तक की सफर हमने आज प्रियांक ठक्कर जी से सुनी. और सूरत से है, अभी यूएस में ही वो स्थायी है, मतलब वहां पे ही अपना करियर बहुत ही अच्छी तरह बना चुके हैं और आगे बहुत बड़े. ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं रहेगी. और लास्ट में फ्रेंड्स, जाते जाते हम थोड़ा सा उनका जो शॉर्ट फिल्म है और थोड़ा सा डांस का वीडियो है वो हम देखना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे. I didn't do anything. I didn't do anything. Your boys? Shot in my boys. Try taking over this farm. You just went along for the ride. You trying to tell me you're innocent? Yes. 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 They took me in, man. Not just men and women and children, just like you people, you know. I thought I had a better chance off with them, but we went scavenge, just the meds, and we went to this little campsite once, and this guy with two daughters, you know, teenagers, you know, real young, real cute, and they just made him watch while they were, and they didn't want to kill him, they just made him watch, and they just left him behind. But that's it, man. I didn't do anything. Please, you gotta believe me. Please, man, come on, please. Keep those pants, by the way. Whoa, hey. What's that? Is that a pie? Yeah. Do you want some? Yeah. Just cut me a little sliver. A little bigger. A little bigger. Oh, come on. You gonna run out of thing or what? Just cut me a little piece. No need to fight tonight. फ्रेंड्स, आपको ये प्रियांक जी का जो वीडियो आपने देखा डांस का और शॉर्ट फिल्म का, आपको कैसा लगा वो फीडबैक भी हमें दीजिएगा जरूर, तो प्रियांक जी को और भी मोटिवेशन मिल जाएगा आपकी एक लाइक्स और एक कमेंट से. और आगे बढ़ते हैं. प्रियांक जी, आप गुजरात से हैं और सूरत से हैं, तो हमारे गुजराती जो फ्रेंड्स दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण हमारा गुजराती मित्र. હું તમને એક એવા માંગીશ કે તમે જેટલા પણ મોટા માણસ બનો, તમારા રૂટ્સ કોઈ દેશ નહીં ભૂલતા. તમે જ્યાંથી આવ્યા છો, તમારા સંસ્કાર, તમારું કલ્ચર હંમેશા કેરી કરી રાખજો તમારી સાથે, બીકોઝ એ જ તમને આગળ વધારશે. અને તમે જે દિવસે એને ભૂલી ગયા તે દિવસે તમે પોતાને ભૂલી જશો. સો પ્લીઝ ડોન્ટ ફોરગેટ. જી, બહુ હું પણ ગુજરાતી શબ્દ બોલીશ. બહુ સરસ વાત કહી આપને. તમે ગુજરાતના ગૌરવ છો, સુરતનું ગૌરવ છો, અને ખૂબ આગળ વધો એવી શુભકામના અમારી ફરીથી એક વખત. અને આપને જો પ્રિયાંજી આપની સાથે અમારે કનેક્ટ રહેવું હોય, આપની સાથે જોડાઈ રહેવું હોય, તો અમે તમને ક્યાં સંપર્ક કરી શકીએ છીએ અમારા દર્શકોને બતાવીશું? સો I have my own website. It's called iampriyank.com. So you can find me over there. Or you can find me on Instagram. It's IMA_GIC. iMagic. Or you can find me on Facebook, Priyank Thakkar. And you'll find me that way. But yeah, it's the thing.
थैंक यू सोचा सो मच, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।